Oh well, we all are live now. Good IMC everyone. Finally, we are live. Welcome everyone. First viewer, जो भी है हमारे, आपका बहुत बहुत स्वागत. So friends, the show has begun. It's 9 o'clock और आप सभी का दिल से स्वागत है. रमन कुमार विजय फेसबुक पेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत. ऑल राइट, गुड आई एम सी रविंदर जी, वेलकम एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत. राजेंद्र जी, गुड आई एम सी, वेलकम. राजेंद्र शर्मा जी, वेलकम वेलकम, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का. साथियों, वंडरफुल, इट्स 9 o'clock शार्प और हम एक बार फिर जिस पेज पे आप लगातार कुछ दिनों से लगातार सीखते आ रहे हैं, उस पेज पे आज फिर एक बार मुझे अवसर मिला है कि मैं अपनी बात भी रख सकूं. तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत. थैंक यू सो मच डॉक्टर वाजपेयी सर, थैंक यू. गुड आई एम सी एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का. संजीव जी, गुड आई एम सी. कुंदन शर्मा जी, गुड आई एम सी. कमता प्रसाद जी, गुड आई एम सी. पंकज जी, गुड आई एम सी. वेलकम एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का. शीतल मैम, गुड आई एम सी, आई वेलकम यू ऑल. थैंक यू, थैंक यू. राजेंद्र शर्मा जी, आज आपका लाइव सेशन बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, प्रयास पूरा रहेगा, बाकी आप सबका सहयोग. तो थैंक यू वेरी मच. सो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का रमन कुमार विजय पेज में, फेसबुक लाइव पर. और आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अमेजिंग टॉपिक है. आई एम श्योर आप सभी लोगों ने जब जब पोस्ट रिसीव हुआ होगा आपको आज का, तो आपको क्लियर तो हो गया होगा कि आज हम किस विषय पे बात करने वाले हैं. बाय द टाइम हम इस पेज पे जो आज चर्चा करने वाले हैं उसकी शुरुआत करें, हम एक IMC का धमाकेदार सॉन्ग, एनर्जेटिक सॉन्ग, आप जहां पर भी हैं आप इस सॉन्ग को एंजॉय करें और डांस करें, थोड़ा सा फील करें एनर्जी को, ताकि आज का सेशन और भी जबरदस्त हो पाए. तो इस सेशन को एंजॉय करने के लिए सबसे पहले एक IMC वाला गाना तो बनता है, बिकॉज हम IMC वाले हैं. जब तक IMC का गाना ना सुन ले, एनर्जी हमारे अंदर जो है पैदा नहीं हो पाती है. तो IMC वाला सॉन्ग जो है हम सभी ने एंजॉय करना है. और फटाफट से बाय द टाइम जब तक ये सॉन्ग चलेगा, तब तक ये लिंक आप सभी ग्रुप्स में सभी लीडर्स को आपके फॉरवर्ड करें. उन सभी लोगों को खास तौर पे फॉरवर्ड करें जिनका प्रश्न ये है कि 5000 BV करना तो चाहते हैं पर करे कैसे, कोई रास्ता हो. तो अगर चाहते हैं कि ये रास्ता उनको मिले, उनको एक वे मिले प्रॉपर कि किस तरह से 5000 BV या प्रोडक्ट सेल बढ़ाई जाए, तो आज का जो सेशन है बहुत ही अमेजिंग और इम्पोर्टेंट होने वाला है. तो एक सॉन्ग को एंजॉय करते हुए ये लिंक हम फटाफट से सभी ग्रुप्स में शेयर करेंगे. सो फ्रेंड्स, हियर्स द सॉन्ग, लेट्स एंजॉय. गुड आई एम सी अंसरा जी, गुड आई एम सी. वेलकम राजन जी, गुड आई एम सी. गुड आई एम सी विनोद जी, सऊद आलम जी, गुड आई एम सी. पाटन बब्बू जी, गुड आई एम सी. सुनील कुमार जी, गुड आई एम सी. वेलकम वेलकम एवरीवन. राजन जायसवाल जी, 5000 BV, यस. सौरभ जी, गुड आई एम सी, यस, गुड आई एम सी. शिव कुमार सोनी जी, बहुत बहुत स्वागत सर आपका, गुड आई एम सी. माला जी, यस, गुड आई एम सी. सायरा जी, गुड आई एम सी, वेलकम. प्रदीप गुप्ता जी, गुड आई एम सी. कुमारी सपना जी, गुड आई एम सी. इरशाद जी, गुड आई एम सी. एसके हर्बल, गुड आई एम सी. वेलकम वेलकम एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत. इफ्तिखार जी, गुड आई एम सी, बहुत स्वागत. फटाफट से लिंक को शेयर करें अपने ग्रुप्स में. महेंद्र जी, गुड आई एम सी. प्रदीप गुप्ता जी, यस, बार बार लगातार 5000. ओम प्रकाश जी, गुड आई एम सी, वेलकम. बबलू सैनी जी, गुड आई एम सी सर, बहुत बहुत स्वागत. अफजल खान जी, गुड आई एम सी.
फटाफट से लिंक को शेयर करिए साथियों, अगले एक मिनट में हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। संजीव जी गुड एमसी, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का, वेलकम। थैंक यू माला मैम, थैंक यू वेरी मच। महेंद्र जी गुड एमसी, सभी लोगों को इस सॉन्ग को एंजॉय करना है सभी ने। रत्नो शेखर जी वेलकम। अंटू वर्मा जी गुड एमसी। वेरी नाइस, आपके कमेंट्स देख के अच्छा लग रहा है, कीप कमेंटिंग। गुड एमसी टीम पवन कुमार, ओके गुड एमसी। पंचमणि जी गुड एमसी। रामाश्री उपाध्याय जी गुड एमसी, बहुत स्वागत आपका। माला मैम एक्सीलेंट, थैंक यू मैम, थैंक यू, कीप ब्लेसिंग। अजय यादव जी गुड एमसी, बहुत बहुत स्वागत। ओम प्रकाश जी धन्यवाद। रत्न शेखर जी गुड एमसी। कितनों ने ठान लिया है सपनों को पूरा करना है, कमेंट करके लिखिए। मी मैंने ठान लिया है। सुरेश शर्मा जी गुड एमसी। संतोष जी गुड एमसी। और रमन सर भी हमारे साथ, आपके ही पेज पे आप ही का स्वागत रमन जी। ठान लिया है, ऑल राइट ग्रेट। अर्चना कुमारी जी गुड एमसी। राजेंद्र जी गुड एमसी, गुड एमसी। पप्पी पंडित जी गुड एमसी। राजीव सिंघानिया कैसे हो आप, जबरदस्त एकदम, आप सबका आशीर्वाद है। एक लहर चलाते 5000 बीवी की। नवनीत कुमार जी गुड एमसी। अनिल मिश्रा जी गुड एमसी वेलकम। कुंदन शर्मा जी थैंक यू वेरी मच। अनिल मिश्रा जी गुड एमसी वेलकम वेलकम। ऑल राइट, सो बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आगे भी जुड़ते रहेंगे। बहुत बहुत स्वागत सभी का। मोहम्मद मुसब्बीर आलम जी गुड एमसी। मुबस्सिर आलम जी गुड एमसी, गुड एमसी। सुरेश जी, शिव कुमार कुशवाहा जी वेलकम। भावना वर्मा जी मी ग्रेट। रवि त्रिपाठी जी गुड एमसी, बहुत बहुत स्वागत। राम आश्रय जी बहुत स्वागत। अगले 30 सेकेंड्स, बस 30 सेकेंड में सेशन हम स्टार्ट करेंगे। आईएमसी वाले बड़े दिल वाले, यस बिल्कुल दिल वाले। ग्रेट ग्रेट, ऑल राइट। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच एवरी वन। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का, और उम्मीद है कि आपने ये लिंक जो है सभी ग्रुप्स में शेयर कर दी होगी। और फ्रेंड्स, आज का विषय है बहुत ही इम्पॉर्टेंट। जैसे कि जो लोग मुझे अटेंड करते आए हैं या सुनते आए हैं, वो लोग जानते ही हैं कि मैं हमेशा कुछ प्रैक्टिकल कॉन्टेंट देने की कोशिश करती हूँ। तो आप डायरी पेन कैरी करिएगा। आज के सेशन में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आप अपने प्रोडक्ट्स की सेल, चाहे वो केनोपी पे हो, चाहे वो रिटेलिंग से हो, चाहे वो 5000 बीवी का टारगेट हो, किसी भी प्रकार की सेल हो प्रोडक्ट रिलेटेड, वो कैसे बढ़ा सकते हैं, उसका पूरा रोड मैप आज के इस सेशन में मैं आपको देने वाली हूँ। तो डायरी पेन रेडी रखिएगा। और पहले तो सबसे पहले कमेंट करके मुझे बताइए कि मेरी वॉइस क्लियर है, एकदम आवाज प्रॉपर आ रही है, कोई नेटवर्क इश्यू तो नहीं है। ये थोड़ा सा आप बता देंगे तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी। प्लीज कमेंट करके बताइए, सिर्फ लिखिए क्लियर, वॉइस क्लियर लिखने की जरूरत नहीं, क्लियर लिखेंगे तब भी काम चल जाएगा। अर्चना जी वेलकम, गुड एमसी। ऑल राइट, गॉड ब्लेस यू मैम, ओके थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर ब्लेसिंग्स। ओके, वॉइस क्लियर है मेरी तो एक बार लिख दीजिए वॉइस क्लियर, या लिख दीजिए क्लियर, ताकि हम सेशन का आगाज कर सके और फटाफट से हम सेशन को शुरू कर सके। दिनेश जी वेलकम, गुड एमसी। शिवम जी बहुत बहुत स्वागत, गुड एमसी। अब्बा साहेब शिंदे जी गुड एमसी वेलकम। हिमांशु जी ठान लिया है, ओके ग्रेट, ये आईएमसी का जज्बा, वंडरफुल लीडर्स। ऑल राइट, गुड एमसी अरुण जी, ओके। सो फ्रेंड्स, भावना वर्मा जी वेलकम, ओके। सो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग जो है सेशन का आगाज करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी और हम अब सेशन को स्टार्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं।
वॉइस क्लियर राइट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू महेंद्र जी, थैंक यू एवरीवन। कमेंट्स जारी रखिएगा, ये सेशन के दौरान शायद मैं आपके कमेंट्स पे रिप्लाई ना कर पाऊं, लेकिन ट्रस्ट मी, मैं ये सेशन कंप्लीट होगा तो सभी के कमेंट्स डेफिनेटली पढ़ने वाली हूं और प्रयास करूंगी कि मैं आपको रिप्लाई कर सकूं। राइट, सो कमेंट्स बहुत फास्ट जा रहे हैं, फटाफट से जा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। ऑल राइट, सो फ्रेंड्स लेट्स गेट स्टार्टेड। 5000 बीवी पे बात करेंगे हम और प्रोडक्ट्स को सेल को बढ़ाएं इस पे भी बात करेंगे। सबसे पहला प्रश्न ये है कि 5000 बीवी कर तो लें पर कैसे, 5000 बीवी करना तो चाहते हैं पर कैसे, कैसे प्रोडक्ट्स को सेल करें, प्रोडक्ट कहां बेचना है, किसको बेचना है, इतने प्रोडक्ट्स की सेल हो ही नहीं पाती, कई लोग तो खरीद ही नहीं पा रहे प्रोडक्ट्स, बहुत सारे ऐसे प्रश्न आपके मन में हैं। राइट, बहुत सारी चीजें जो है आपके माइंड में है, बैक ऑफ द माइंड, के सबसे बड़ा सवाल है कि 5000 बीवी करना तो चाहते हैं पर करे कैसे। ये चैलेंज जो है आप सभी के, आप जितने लोग हैं, मैं ये अप्रिशिएट करती हूं कि बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी 5000 बीवी लगातार कर रहे हैं, उनके लिए एक बार दिल से तालियां मेरी ओर से, गुड जॉब, कीप अप द गुड वर्क। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके सामने अभी ये चैलेंज है कि वो 5000 बीवी या प्रोडक्ट्स की सेल को किस प्रकार बढ़ाएं। सारे सवालों का जवाब आज के इस लाइव सेशन में आपको मिलने वाला है, एंड ट्रस्ट मी, आप अगर आज की चीजों को नोट डाउन करेंगे और जॉट डाउन कर लिया आपने, तो ये आपकी टीमों में भी आप डुप्लीकेट कर पाएंगे और उनको भी एक हेल्प होगी कि मैं 5000 बीवी कैसे कर पाऊं। फ्रेंड्स सेशन को स्टार्ट करने से पहले मेरा एक छोटा सा परिचय, मेरा नाम आफरीन मेमन, मुंबई महाराष्ट्र से, फिलहाल आप सबके आशीर्वाद से क्राउन एम्बेसडर लेवल पे हूं और आप सबका आशीर्वाद और साथ प्यार बना रहा तो जल्द ही क्राउन प्रेसिडेंट के रूप में भी आपके सामने होंगे, लेकिन उसके लिए आपका साथ और प्यार बहुत जरूरी है और साथ ही आपकी कामयाबी भी, क्योंकि आपकी कामयाबी में हमारी कामयाबी छुपी है। तो फिलहाल क्राउन एम्बेसडर लेवल पे हूं और आज का जो टॉपिक है हाउ टू इंक्रीज IMC प्रोडक्ट सेल। और सेशन में हम आगे बढ़े उससे पहले मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूंगी मेरी ग्रेट अपलाइन डॉक्टर आनंद वाजपेयी सर को, एक बार दिल से तालियां सर, आप जहां भी हैं मेरा नमन आपको। डॉक्टर वाजपेयी सर को बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी स्पॉन्सर, मेरी ग्रेट अपलाइन, आज उन्हीं की देन है और ये उन्हीं का कल्चर है, उन्हीं का आशीर्वाद है, उन्हीं से सीखी हुई चीजें हैं जो मैं आज आप सभी से शेयर कर पाती हूं। तो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर वाजपेयी सर, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली थैंक यू उस शख्सियत को जिसके पेज पे आप मुझे सुन रहे हैं, मेरे दिलो अजीज और मेरे बहुत ही करीबी दोस्त, अ वेरी गुड फ्रेंड, कई बारी जब भी उनकी हेल्प लगती है वो बिना सोचे समझे ऑलवेज रेडी टू हेल्प, एक फ्रेंडली रिलेशन शेयर करने वाले, एक मेंटोर भी हैं कहीं ना कहीं, हमें कुछ ना कुछ चीजों में जब भी आवश्यकता होती है तो गाइड भी करते हैं, एक अच्छे दोस्त भी हैं। और मेरे बहुत ही क्लोज फ्रेंड मिस्टर रमन कुमार विजय सर के लिए एक बार तालियां चाहूंगी मैं, थैंक यू वेरी मच रमन जी फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी कि आज मैं आपके पेज पे आके अपनी बात रख सकूं, तो थैंक यू वेरी मच रमन सर फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। ऑलराइट फ्रेंड्स, सो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम किस तरह से हमारे बिजनेस में 5000 बीवी स्वयं भी करें और लोगों से भी करवा पाए। ऑल्सो हम चाहे कैनोपी डे मनाते हैं एवरी थर्ड ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की 3 तारीख को हम कैनोपी डे भी मनाते हैं, राइट, हम कैनोपी डे सेलिब्रेट करते हैं, तो कैनोपी डे पे भी हम में से कई लोग ऐसा महसूस करते हैं कि हम कैनोपी लगाते तो हैं लेकिन जितनी सेल होनी चाहिए, जो सेल कैनोपी पे निकलनी चाहिए वो कहीं ना कहीं शायद नहीं निकल पाती, और इस वजह से बहुत सारे लोग बोलते हैं यार कैनोपी का कोई फायदा नहीं है, कोई इसका बेनिफिट नहीं होता, बहुत कम सेल होती है, ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस आपके सामने आते हैं। बट एक बार सोचिएगा, उसी की एवज में कुछ लोग ऐसे हैं जो 5000 बीवी के प्रोडक्ट रिटेल भी कर दे रहे हैं आसानी से, ठीक बात है, ऑल्सो वो लोग कैनोपी डे पे भी प्रोडक्ट्स जो है आसानी से बेच देते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस, डिफरेंस क्या है, जो डिफरेंस है वो आपको सेशन एंड होते होते समझ में आ जाएगा, आई एम श्योर कि आपको बहुत सारे पॉइंट्स आज मिलने वाले हैं। फटाफट से डायरी पेन ले लीजिए और हम शुरू करते हैं। थैंक यू जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं, निश्चित जी थैंक यू वेरी मच, राजेंद्र जी, भावना वर्मा जी, माला मैम, थैंक यू कमेंट्स आपके मुझे प्रेरणा देते हैं, थैंक यू फॉर योर कमेंट्स, मुकेश राठौड़ जी थैंक यू वेरी मच। सो फ्रेंड्स कहते हैं, एक शायरी के साथ शुरू करेंगे, अर्ज किया है, कितने भी दलदल हो जिंदगी में, बहुत चैलेंजेस हैं हम सभी के लाइफ में, कभी फैमिली के रूप में, कभी पैसे के रूप में, कभी बिजनेस के रूप में, कभी लोगों के रूप में, बहुत सारे चैलेंजेस हैं हम सभी के जीवन में, राइट। कहते हैं कितने भी दलदल हो जिंदगी में पैर जमाए रखना, कितने भी दलदल हो जिंदगी में पैर जमाए रखना, चाहे हाथ खाली हो जिंदगी में
लेकिन इन हाथों को उठाए रखना। ठीक बात है। कौन कहता है छलनी में पानी भरा पानी नहीं रुकता, कौन कहता है कि छलनी में पानी नहीं रुकता, अपना हौसला बर्फ जमने तक जरा बनाए तो रखना। राइट, ये जो लाइनें हैं ये दर्शाती है कि चैलेंजेस प्रॉब्लम्स हम सभी के लाइफ में है, लेकिन सबर पेशेंस एक अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा, एक बेहतरीन रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा, ये दर्शाती है ये लाइनें। सो फ्रेंड्स, 5000 बीवी, सबसे पहले तो 5000 बीवी से डरना नहीं है। ये बात है कि हमें आदत है 500 बीवी, 1000 बीवी, 1500 बीवी करने की, क्योंकि वो हम हमेशा से करते आए हैं, लेकिन हमें 5000 बीवी से सबसे पहले तो डरना नहीं है। बहुत सारे लोग तो भयभीत हो गए हैं, एकदम डर गए कि 5000 बीवी, 15000 का माल कहां बेचेंगे, कौन खरीदेगा। राइट, लॉट ऑफ पीपल थिंक दैट। और 5000 का बीवी का सामान यानी 15000, और 15000 सोचते ही जो है हम घबरा गए, भयभीत हो गए, डर गए, एकदम से ज्यादा से डर गए हम। राइट, बहुत डर रहे हैं। सबसे पहले तो अपने माइंड को कूल रखना है, 5000 बीवी ही तो है यार, 5000 बीवी ही है, रिलैक्स। सब चीज समय के साथ इंसान सीखता है और वो उस चीज को कर जाता है, बशर्ते कि आप उस चीज से डरे ना, भयभीत ना हो, नॉट अ प्रॉब्लम। अब तक 1000 बीवी करते थे, कोई चक्कर नहीं, 5000 भी कर लेंगे। जो यहां तक आया है वो आगे भी जाएगा। मैंने हमेशा कहा है कि जो यहां तक आया है वो आगे भी जाएगा। राइट, सो 5000 बीवी से सबसे पहले तो डरना नहीं है। 15000 क्या हो गया, फिर क्या हो गया, डोंट स्ट्रेस योर सेल्फ। नेगेटिव थॉट्स तब आएंगे जब आप उस चीज से डरेंगे, तो 5000 बीवी से डरना नहीं है, बिग डील। कैसे कर सकते हैं इसके ऊपर फोकस करना है। अगर आप इसके ऊपर फोकस करेंगे कि मैं कैसे कर सकता हूं या कर सकती हूं, तो रास्ता निकल आएगा। राइट, सो आप कैसे करेंगे इस पे फोकस करना। राइट, अ लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग जो है, 5000 बीवी तो नहीं बिकेगा यार, नहीं हो पाएगा, प्रोडक्ट तो इतने नहीं बिक पाएंगे, ये सोचकर ही शुरुआती नहीं करी उन्होंने, शुरुआत ही नहीं कर रहे हो। 1000, 1200, 1300, 1500 बीवी में ही निपट जा रहे हैं, वो कर ही नहीं रहे। क्यों नहीं कर रहे, बिकॉज कि उनको फियर है, कौन करेगा यार, कैसे होगा। मेरे दोस्त, एक बात जीवन में हमेशा याद रखना, शुरुआत तो करो, स्टार्ट तो करो। जिसने शुरुआत नहीं की वो अंत तक कैसे पहुंचेगा। एटलीस्ट स्टार्ट, कोई चक्कर नहीं यार, शुरुआत में 1200 बीवी होगा, फिर बढ़ के 1500 होगा, फिर 2000 होगा, फिर 2500 होगा, फिर 3000 होगा, करते करते एक ना एक दिन, कुछ महीनों में, हो सकता है अगले एक डेढ़ दो महीनों में ही आप 5000 बीवी पे पहुंच जाएं। लेकिन प्रयास तो करिए, प्रयास तो करिए। आप जैसे शुरुआत करेंगे तो आप धीरे 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 एक्सपर्ट होते जाएंगे, चीजें सीखते जाएंगे, बेचने का तरीका, बात करने का तरीका, कम्युनिकेशन स्किल, सब कुछ जो है चेंज होता जाएगा, आपका चेंज होता चला जाएगा। यू विल लर्न, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, और जब कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, एक कला आ जाएगी प्रोडक्ट को मार्केट में प्रेजेंट करने की, तो 5000 क्या यार, 50000 का भी रिटेलिंग कर लोगे। बट स्टार्ट इज इंपॉर्टेंट, शुरुआत बहुत जरूरी है, शुरुआत बहुत जरूरी है। भयभीत मत होइए, अपने माइंड में स्ट्रेस मत डालिए कि कैसे होगा, क्या होगा, कुछ नहीं होगा यार, रिलैक्स, स्टार्ट तो करो, शुरू तो करो। कौन सा हमने आपके ऊपर बंदूक रखी कि अभी बेच के आना है, नो फ्रेंड्स, नो, स्टार्ट तो करो। फर्स्ट पॉइंट ध्यान में रखना, इट इज योर माइंडसेट। जितना आप डरेंगे उतना ही आप जो है ये बिजनेस वॉल्यूम्स नहीं कर पाएंगे। राइट, तो सबसे पहले क्या करना है, माइंडसेट करना है, लेट्स गेट स्टार्टेड, शुरू करते हैं यार, जो होगा 1500 होगा, 2000 होगा, डजंट मैटर, कुछ टाइम में 5000 भी हो जाएगा। राइट, थैंक यू फॉर योर कमेंट्स, जो लोग नीचे कमेंट्स कर रहे हैं बहुत सारे, थैंक यू हरीश जी, थैंक यू माला मैम, थैंक यू, बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे हैं, कमेंट्स बहुत क्विकली जा रहे हैं, तो शायद मैं थोड़ा सा ना रिप्लाई कर पाऊं, बट येस आई एम वॉचिंग यू। रहमान जी, गुड एम सी, वेलकम एवरी वन। ओके, तो फ्रेंड्स बात करते हैं कि 5000 बीवी या प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट सेल, IMC के प्रोडक्ट्स अगर आप रिटेल करते हैं या आप बेचते हैं, चाहे केनोपी के माध्यम से या जैसे मर्जी आप रिटेल करते हैं, तो ये सेल्स कब बढ़ेगी आपकी। राइट, 5000 बीवी कब होगा आपका, जब आपकी प्रोडक्ट्स ज्यादा बिकेंगे, प्रोडक्ट सेल होगा तभी तो आप आज 2000 बीवी कर रहे हैं, तो अगर प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा आपके माध्यम से मार्केट में तो 5000 बीवी भी हो जाएगा। तो पॉइंट क्या है कि प्रोडक्ट की सेल कैसी बढ़ाई जाए। अगर प्रोडक्ट की सेल बढ़ाने की कला आपके अंदर आ गई तो आप 5000 बीवी तक पहुंच जाएंगे, फिर 10000 तक भी पहुंच जाएंगे, डजंट मैटर। तो प्रोडक्ट की सेल बढ़ाने के लिए या प्रोडक्ट्स
जो मार्केट में 5000 बीवी के जाने चाहिए उसके लिए मैं कुछ पॉइंट्स आपको देने जा रही हूं। आप इसको नोट डाउन करिए, लिखना शुरू करिए कि आपके प्रोडक्ट्स कैसे 5000 बीवी के आसानी से बिक जाए, उसके लिए क्या रोड मैप है। तो रोड मैप ये है कि 5 पॉइंट्स मैं आपसे शेयर करने वाली हूं, 5 पॉइंट्स जो आपकी प्रोडक्ट की सेल को बढ़ाएंगे और अल्टीमेटली इवेंचुअली आप 5000 बीवी आसानी से कर पाएंगे। पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, 5 पॉइंट्स में से पहला पॉइंट ये है फ्रेंड्स कि सेल्फ प्रोडक्ट यूज बहुत जरूरी है। आई नो कि आप लोग करते हैं, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अब तक हम जो प्रोडक्ट सेल्फ यूज कर रहे थे वो हम क्या कर रहे थे, 1000 बीवी के अनुसार, क्योंकि 500 बीवी किया तो सुपरस्टार एंड बिलो को पे आउट आ जाता था, और अगर हम सुपरस्टार एंड अबव है तो हमें 1000 बीवी पे आ जाता था। तो हमें आदत क्या हो गई है कि हम 1000 बीवी की पंचिंग कराते हैं, बाकी जो प्रोडक्ट रिक्वायर्ड ही नहीं है, लेते ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूं कि 5000 बीवी में सबसे पहली भागीदारी तो हमारी अपनी है। आप मैक्सिमम प्रोडक्ट्स, मैं ये नहीं कहती कि पूरे 5000 के प्रोडक्ट आप ही खाइए, नहीं, आई एम नॉट सेइंग दैट, लेकिन 5000 बीवी में फर्स्ट पॉइंट ये है कि सेल्फ प्रोडक्ट यूज जो है मैक्सिमम आपने करना है। हमारे पास मल्टीपल बास्केट है प्रोडक्ट्स का, ह्यूज बास्केट है हमारे पास, राइट, ह्यूज बास्केट है। तो उसमें से हम लोग अब तक जो 1000 बीवी की आदत डाल के रखे थे और कट ऑफ करते थे, फिर हम सोचते थे कि इतना ही है तो अभी क्यों लेना प्रोडक्ट, वो चीज को हमें सबसे पहले छोड़ना पड़ेगा। सेल्फ यूज जो है प्रोडक्ट का उसको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। एक्चुअली जो मंथली आपकी आवश्यकता है, तेल, शैम्पू, साबुन, टूथपेस्ट, वो जो भी आप XYZ चीजें लेते हैं, वो जो है अब जेन्युइनली सेल्फ यूज आपको बढ़ाना पड़ेगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहला पॉइंट है अगर 5000 बीवी बढ़ाना है तो। इससे क्या बेनिफिट होगा साथियों, 1000-2000 बीवी का सामान आप ही यूज कर लेंगे आपके घर पे, जरूरत की चीज है ऑब्वियसली, जो आपकी जरूरत की चीज है उसको आप घर पे यूज कर लेंगे। तो आपके 5000 बीवी में से लेट से 1000-2000 बीवी या 2000 बीवी का अप्रोक्सीमेट सामान जो है आप खुद ही यूज कर लेंगे, सेल्फ घर पे यूज हो जाएगा मैक्सिमम, राइट। मैक्सिमम क्या होगा कि सेल्फ घर पे यूज हो जाएगा वो प्रोडक्ट, ये फर्स्ट पॉइंट है। आपको सबसे पहले आदत डालनी है कि हम लोग IMC के ही प्रोडक्ट्स का सेवन और उपयोग सिर्फ 1000 बीवी के हिसाब से नहीं, एक्चुअली जितनी रिक्वायरमेंट है उतना करें, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट। सेल्फ प्रोडक्ट यूज को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, राइट, मिनिमाइज करके काम चल रहा था, बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप IMC के ज्यादा प्रोडक्ट्स यूज करेंगे, लेट से ज्यादा प्रोडक्ट यूज करेंगे या रेंज यूज करेंगे जो अब तक आपने नहीं की, इससे क्या होगा, आपको प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस होगा, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, और प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, क्या नहीं है, कैसे काम करता है, कितने टाइम में रिजल्ट, ये सारी चीजें अल्टीमेटली इवेंचुअली आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी। वो प्रोडक्ट जो मैक्सिमम आप यूज करेंगे उससे आपका कॉन्फिडेंस रेज होगा, और जिस व्यक्ति का प्रोडक्ट के प्रति कॉन्फिडेंस ज्यादा है, हाई है, वो इंसान प्रोडक्ट ऐसे बेचता है ऐसे मार्केट में, ऐसे आप उसकी बात नहीं काट सकते, वो बोलेगा सवाल ही नहीं मैंने यूज किया है, ऐसे कॉन्फिडेंस ही अलग होगा। कब होगा, जब वो खुद यूज करता है, राइट। सो फर्स्ट पॉइंट हियर इज यू हैव टू यूज सेल्फ प्रोडक्ट, नंबर वन। नंबर टू, दूसरा पॉइंट जो आपको 5000 बीवी की ओर ले जाएगा, प्रोडक्ट सेल बढ़ाएगा, वो ये है साथियों, मेक मोर प्रेफर्ड कस्टमर्स। हम लोग शायद इस चीज पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं या ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसलिए हम 5000 बीवी नहीं कर पा रहे हैं और प्रोडक्ट की रिटेलिंग भी नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने प्रेफर्ड कस्टमर्स जो है ज्यादा नहीं बनाए, या ये कहूं कि हम बनाते ही नहीं है, हमारा फोकस ही नहीं है उसके ऊपर। लेकिन लेट मी टेल यू दिस फ्रेंड्स कि जिनके पास कस्टमर्स हैं, कस्टमर्स, मैं आपको अंतर समझाती हूं, बिजनेस पार्टनर्स वर्सेस कस्टमर, कस्टमर और बिजनेस पार्टनर। देखिए, बिजनेस पार्टनर हर व्यक्ति नहीं होता, लेकिन कस्टमर हर व्यक्ति हो सकता है, राइट। हर व्यक्ति कस्टमर हो सकता है, लेकिन हर व्यक्ति बिजनेस पार्टनर नहीं हो सकता। हर व्यक्ति के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग को करने का जज्बा हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति अच्छी स्वास्थ्य चाहता है। तो प्रेफर्ड कस्टमर्स को हल्के में ना ले आप। अल्टीमेटली IMC में आज जितने भी सक्सेसफुल लीडर्स हैं, ये कभी ना कभी पहले शुरुआत में कस्टमर रहे हैं, ये कस्टमर से बिजनेस पार्टनर बने हैं। तो आपका फोकस भयंकर होना चाहिए प्रेफर्ड कस्टमर्स को बनाने में। फोकस ऑन मेकिंग मोर प्रेफर्ड कस्टमर, ये सेकेंड पॉइंट है, PC जिसको हम कहते हैं। आप प्रेफर्ड कस्टमर्स मैक्सिमम बनेंगे तो आपके मैक्सिमम प्रोडक्ट रिटेल होगा और सेल होगा। अब आप बोलेंगे कि अच्छा ठीक है, लेकिन प्रेफर्ड कस्टमर बनाए कैसे, बनाए कैसे, ये मिलते कहां है कस्टमर्स? तो इसका भी जवाब लीजिए मुझसे, इसका भी जवाब मुझसे लीजिए।
और इसका जवाब यह है कि आप डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज करके कस्टमर्स बना सकते हैं। कभी भी मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि आईएमसी बिजनेस में वो एक ही चीज करते हैं, या तो कैंप करेंगे तो कैंप 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 ही करते रहते हैं, या अगर केनोपी लगाएंगे तो सिर्फ केनोपी 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 लगाते रहते हैं। बट दिस इज नॉट द राइट वे, ये राइट तरीका नहीं है कस्टमर्स को बनाने का या प्रेफर्ड कस्टमर्स या बिजनेस पार्टनर्स को ढूंढने का। फ्रेंड्स एक बात याद रखना, आप नेटवर्क मार्केटिंग में मल्टीपल चीजें ट्राई करते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, मल्टीपल चीजें ट्राई कर रहे हैं, उनमें से अगर आप 6 चीजें ट्राई कर रहे हैं उसमें से 2 चीजें निकल कर आएंगी या एक चीज निकल कर आएंगी, तब आपको पता लगेगा कि ये 6 एक्टिविटीज में से ये एक एक्टिविटी है जिसमें मैं अच्छा हूं या अच्छी हूं एंड आई कैन डू इट, ये मेरे लिए सही है, फिर उस एक्टिविटी को फॉलो करना आपको। आप केवल एक ही एक्टिविटी फॉलो करेंगे तो शायद आप उतना बड़ा रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। ये मैं प्रैक्टिकल बात कह रही हूं, मेरे फील्ड एक्सपीरियंस है। जो लोग मेरे साथ मेरे फेसबुक पे कनेक्टेड है वो जानते हैं कि मैं आज भी आई स्ट्रांगली बिलीव ऑन फील्ड वर्क। फील्ड वर्क में दबा के करने में विश्वास है मेरा आज भी, फिर चाहे वो केनोपी हो, कैंप हो, रिटेलिंग हो, एग्जीबिशन हो, जो मर्जी हो, हमने पीछे भी किया हुआ ही है, बहुत सारे लोगों ने देखा है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं कि हम मल्टीपल चीजें फील्ड पर ट्राई करते हैं तब जाके हमें श्योरिटी होती है कि हमें कौन सी चीज करनी है और कौन सी चीज में हम बेस्ट हैं। हो सकता है कोई व्यक्ति किनोपी में अच्छा हो, कोई कोई कैंप करने में अच्छा हो, बट ट्राई हर चीज करनी पड़ेगी, राइट? तो सेकंड पॉइंट के अंदर ये चीज आती है कि मेक मोर प्रेफर्ड कस्टमर, लेकिन प्रेफर्ड कस्टमर बनाने कैसे हैं ये भी मैं आपको बता रहा हूं, आप लिख सकते हैं इस बात को। सबसे पहले प्रेफर्ड कस्टमर, कस्टमर आपको कहां मिलता है? नंबर वन मिलता है केनोपी पे मिलता है। केनोपी आप ट्राई कर सकते हैं, डेली आप लगाइए, मॉर्निंग में या इवनिंग में, जब भी आपके पास टाइम हो, राइट? तो आप कैनोपी लगा सकते हैं, नंबर वन। नंबर टू, आप सैलॉन्स है, ब्यूटी पार्लर्स है, जिम्स है, डॉक्टर्स है, ये सब क्या है? ये सब आपके कस्टमर ही है, इन सब बिजनेस की अपेक्षा नहीं कर रहे, ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करने वाले आपके लिए, बट दे आर गुड कस्टमर्स। ये आपको अच्छा खासा बड़ा ऑर्डर दे सकते हैं, 5,000 बीवी, 10,000 बीवी का भी सेल निकाल सकते हैं। आई एम सेइंग दिस विद माय पर्सनल एक्सपीरियंस। डॉक्टर्स जो है प्रिस्क्रिप्शन पैड पे जब लिखना शुरू करते हैं आपके प्रोडक्ट्स को, तो वो 10-10 15-15 20,000 की सेल कर देते हैं, इतने अच्छी अच्छी सेल करते हैं। तो दिस पीपल आर व्हाट, ये आपके कस्टमर्स हैं, इनसे हम नेटवर्क मार्केटिंग की अपेक्षा नहीं कर रहे हैं। हाँ, भविष्य में कन्वर्ट हो जाए तो सोने पे सुहागा है, बट फॉर नाउ ये आपके लिए कस्टमर है, फिलहाल आपके लिए कस्टमर है। तो क्या करना है, केनोपी एक्टिविटीज के साथ साथ वो ट्राई करिए। दूसरी एक्टिविटी है सैलॉन्स में आप अपने प्रोडक्ट्स का प्रचार प्रसार करिए, ब्यूटी पार्लर्स में जाइए, जिम्स में जाइए, डॉक्टर्स के पास जाइए, कीप ऑन शेयरिंग मोर एंड मोर ऑफ द प्रोडक्ट्स विथ योर पीपल यू नो। आप कस्टमर बनाने के ऊपर मैक्सिमम फोकस करिए, डिफरेंट डिफरेंट। अगर आप ये डिफरेंट डिफरेंट तरकीबें ट्राई करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप कौन से प्रोडक्ट सेल में अच्छे हैं और आप वो लाइन पकड़ के प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट सेलिंग, रिटेलिंग होगी यहां पे आपकी अच्छी, और जब रिटेलिंग अच्छी होगी तो अल्टीमेटली आपका जो है सेल प्रोडक्ट का बढ़ेगा। सेल प्रोडक्ट का बढ़ेगा तो आपका बिजनेस वॉल्यूम 5,000 आसानी से होगा, राइट? दिस इज अ प्रैक्टिकल थिंग आई एम सेइंग, राइट? तो सेकंड पॉइंट क्या है, मेक मोर प्रेफर्ड कस्टमर। अगला तीसरा पॉइंट है फ्रेंड्स, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मुझे बताइए कि कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में कब बिकता है, आपसे सामान कोई भी व्यक्ति कब खरीदता है, या चलिए आप खुद ही कस्टमर हैं, किसी ना किसी चीज को खरीदते हैं, राइट? तो जब आप किसी ना किसी चीज को खरीदते हैं तो आप कौन से सेल्समैन से या कौन सा सामान खरीदते हैं, तो आप मुझे जवाब क्या देंगे इसका? इसका जवाब यह है कि आप ये बोलेंगे कि जो सेल्समैन आपको अच्छे से कन्विंस कर पाता है, अच्छे से प्रोडक्ट की डिटेल बता पाता है, या वो सक्षम होता है ये बताने में कि ये प्रोडक्ट आपको क्यों लेना है, वो जब आपको सेटिस्फाई करवा पाता है तब आप उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं, फिर चाहे आप जो मर्जी खरीद रहे हो, डजंट मैटर, राइट? तो थर्ड पॉइंट क्या समझाता है हमें, गेन मोर नॉलेज अबाउट योर प्रोडक्ट्स, अर्थात आप अपने प्रोडक्ट्स की ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करें। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, अगर आप रिटेल सेल्स बढ़ाना चाहते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है कि अपने प्रोडक्ट्स की ज्यादा से ज्यादा जानकारी अपने पास रखें। ऑर्डिनरी और कॉमन जानकारियों से कभी भी धंधा बड़ा नहीं किया जा सकता। धंधा किया जा सकता है, बिजनेस किया जा सकता है, क्यों? क्योंकि तुलसी अपने आप में बोलती है, लेकिन बड़ा बिजनेस, बड़ा सेल नहीं किया जा सकता जब तक कि आपको उस प्रोडक्ट के बारे में तगड़ी नॉलेज ना हो। क्योंकि खरीदने वाला तुलसी से अगर प्रभावित है तो तुलसी बेचने वाले 1 करोड़ एसोसिएट्स हैं पूरे हिंदुस्तान में, वो कहीं से भी खरीद सकता है, आप ही से क्यों खरीदेगा? हाँ जी,
बताइए मुझे, आप ही से क्यों खरीदेगा वो? पॉइंट यही है। तो पॉइंट क्या है कि जिसके पास अच्छी नॉलेज होगी उसकी सेल अच्छी होगी, उसका सेल अच्छा होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहना चाहूंगी कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जब वो आईएमसी की प्रोडक्ट्स बताते हैं, आईएमसी की प्रोडक्ट्स जब शेयर करते हैं, तो वो ज्यादातर क्या बोलते हैं, हम आयुर्वेद में है, हम आयुर्वेद में है, हम आयुर्वेद में, आयुर्वेद आयुर्वेद आयुर्वेद। हाँ ठीक बात है कि हम आयुर्वेद में है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जैसे आप आयुर्वेद बोलते हैं, आपको नहीं लगता आपके सामने कॉम्पिटिशन आ जाते हैं? ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल दी कंपनीज इन द मार्केट, वो तुरंत बोलता है अच्छा डाबर भी तो है, अच्छा झंडू भी तो है, अच्छा पतंजलि भी तो है, जैसे ही आप आयुर्वेद बोलते हैं। फिर आप लग जाते हैं उसकी कंपटीशन में, अरे उसकी तुलसी ऐसी है, उसका एलोवेरा ऐसा है, उसका बाम ऐसा है, उसका जेल ऐसा है, फलाना ढिकाना, और जिस फोकस के लिए हम आए थे वो हट गया। हां जी, एग्री करते हैं आप लोग ये बात? कमेंट करके बताइए मुझे। उस बहस में हम उलझ जाते हैं और वो ये सोचता है कि मैं 14 साल पुरानी कंपनी से सामान क्यों लूं, जबकि डाबर जैसी कंपनियां 100 साल पुरानी है। आप कमेंट करके बताइए मुझे, आप एग्री करते हैं इस बात से? अगर आयुर्वेद ही लेना है, क्योंकि देखो फिलहाल वो कस्टमर है, बिजनेस परसेप्शन छोड़ देते हैं, बात सिर्फ कस्टमर की हो रही है अभी, राइट? तो अगर वो कस्टमर है तो वही सोच रहा है कि अगर मुझे आयुर्वेद ही लेना है तो 100 साल पुरानी कंपनी से लूं ना, 14 साल 15 साल पुरानी कंपनी से क्यों लूं मैं सामान? वो ये सोचता है क्योंकि वो फिलहाल कस्टमर है, कस्टमर को आजादी है कहीं से भी सामान खरीदने की, राइट? देखिए बहुत लोग यस लिख रहे हैं, एग्री करते हैं आप लोग इस बात से? तो माय डियर फ्रेंड्स, प्रोडक्ट का नॉलेज अगर यूनिक होगा तो आप यूनिक बात बताएंगे, और यूनिक बात में कोई कंपटीशन नहीं होता है। जब आप यूनिक बोलते हैं ना तो उसमें कोई कंपटीशन नहीं होता है, कोई कॉम्पीट नहीं कर सकता आपको, क्योंकि वो यूनिक है। यूनिक मतलब एक ही होता है, सिंगल, यूनिक है, कॉम्पिटिशन कहां से लाएंगे आप? तो फ्रेंड्स, अगर आयुर्वेद नहीं बोलना तो क्या बोलना? आयुर्वेद भी बोलना है, बट फोकस ज्यादा किस पे करना है? ऑर्गेनिक पे, यानी जैविक पे। ये आपकी स्ट्रेंथ है साथियों, ये आपकी स्ट्रेंथ, आयुर्वेदा के साथ ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक इज योर पावर। आप इस बात को समझे, आप जैविक के ऊपर ज्यादा हाईलाइट करें। हम आयुर्वेद दे रहे हैं वो भी जैविक तरीके से, गजब, आपको ऐसे बोलना है। आयुर्वेद तो हम दे रहे हैं, आपको मार्केट में आयुर्वेद भी मिलता होगा, राइट? बट हम जैविक के साथ दे रहे हैं। कौन दे रहा है भाई साहब? कोई नहीं दे रहा। तो ये चीज आपको समझानी पड़ेगी। देर आर फ्यू कंपनीज, वेरी लेस कंपनीज जो ये दे रही हैं। अब मैं आपको, जब आप जैविक चीज बताते हैं किसी को, जैविक के बारे में बोलते हैं, तो मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूंगी कि ये कुछ पॉइंट्स जो है आप और जैविक का उसमें ऐड करें, अपने प्रोडक्ट्स में आप कहीं पे भी बैठा सकते हैं इसको, किसी भी सेक्शन में बिठाएं। जो भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं, हल्दी, तुलसी, एलोवेरा, बेरी, व्हाटएवर, जो भी आप सेल कर रहे हैं, ये 5 ऑर्गेनिक के पॉइंट्स अपने प्रोडक्ट बताने के टाइम पे होने चाहिए आपके। 5 पॉइंट्स फटाफट से लिख लीजिए। पहला पॉइंट क्या है कि जब कोई प्रोडक्ट ऑर्गेनिक होता है, आयुर्वेद नहीं, जब कोई प्रोडक्ट ऑर्गेनिक होता है तो उसमें क्या होता है, वो प्रोडक्ट बेसिकली उसके अंदर जो प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं, प्रिजर्वेटिव, जिससे वो जो प्रोडक्ट की लाइफ है, जैसे हमारा एलोवेरा 18 महीने चलता है, कोई प्रोडक्ट है जो 6 महीने चलता है, कोई प्रोडक्ट है जो 1 साल की वैलिडिटी होती है, तो जो प्रोडक्ट की लाइफ है उसको बढ़ाने के लिए या उसकी लाइफ को मेंटेन करने के लिए जब आयुर्वेद ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं उसमें नेचुरल प्रिजर्वेटिव डाला जाता है, जिस वजह से कोई साइड इफेक्ट एक पेशेंट को नहीं होता। पहला पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है। आप इसको कहीं भी कोई भी प्रोडक्ट बेचते वक्त बीच में फिट करना है आपको। मैं सिर्फ आपको यूएसपी बता रही हूं, आप फिट करिए अपने हिसाब से, आप सभी लोग स्मार्ट हैं, आप अपने हिसाब से फिट करिए, राइट? दूसरा बेनिफिट क्या बताना है, ऑर्गेनिक फूड्स जो होते हैं, ऑर्गेनिक फूड्स जो होते हैं या प्रोडक्ट्स होते हैं, उनमें कभी भी, ऑर्गेनिक में कभी भी स्पेशल लाइसेंस और सर्टिफिकेट्स होते हैं। लाइसेंस भी अलग से लगता है हमें प्रोडक्ट को ऑर्गेनिकली बेचने का, और सर्टिफिकेट भी, जिसमें हमारे पास भी 100% ऑर्गेनिक का जो सर्टिफिकेशन है या प्रोडक्ट पे लिखा है, ये चीजें आप बता सकते हैं। तो लाइसेंस और सर्टिफिकेशन भी अलग से होता है, जो मार्केट में नहीं मिलेगा, ऑर्गेनिक कंपनीज के पास ही होता है। इस पॉइंट को भी आप हाईलाइट कर सकते हैं, ये सेकेंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट यहां पर यह है साथियों कि बहुत सारे लोग देशभक्त होते हैं, कई बारी आप किसान भाइयों के पास भी जाते हैं, कई बारी आप फार्मर्स जो होते हैं ना, किसान खेती बाड़ी, हमारे किसान भाई जो हमें हमारे देश की इतनी जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं, उनके लिए उनके पास प्रोडक्ट देने जाते हैं, तब आप उनके ऑर्गेनिक में भी ये एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं। क्या पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि हमारी कंपनी
जैविक होने के कारण पेस्टिसाइड्स और फंगिसाइड्स जो यूज करती है वो नेचुरल है, केमिकल वाला नहीं है, जिससे हमारे फार्मर्स की स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाता है। यानी हमारे जितने किसान हैं, जब वो जहर का या किसी भी केमिकल पेस्टिसाइड का छिड़काव खेतों में करते हैं तो उनकी जान पे भी खतरा रहता है, उनकी स्वास्थ्य भी खराब होती है। लेकिन हम जैविक चीजों को बना रहे हैं, इससे हम क्या कर रहे हैं, हमारे किसान भाइयों का भी ध्यान रख रहे हैं, उनकी स्वास्थ्य का भी ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि हम जैविक बना रहे हैं। ये चीज आप कहां यूज कर सकते हैं, जब आप कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट दे रहे हैं, आप ये चीज समझे, आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में ये लाइन जो है ऐड कर सकते हैं। चौथा बेनिफिट क्या बोल सकते हैं, जब आप किचन का सामान बेच रहे हैं, किचन का सामान जैसे मिर्ची मसाले हल्दी वगैरह ना, किचन का सामान अगर किसी को दे रहे हैं तो आप क्या बोल सकते हैं कि हम ऑर्गेनिक होने की वजह से, आयुर्वेदिक नहीं, ऑर्गेनिक होने की वजह से हम उसमें आर्टिफिशियल कलर और फ्रेग्रेंसेस नहीं डालते हैं, क्योंकि जैविक प्रोडक्ट में हम ये नहीं डाल सकते हैं। तो आर्टिफिशियल चीजें नहीं डालने की वजह से नेचुरल आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलता है। हम उसमें किसी भी तरह का कलर, हल्दी को ज्यादा पीला दिखाने के लिए, मिर्ची को लाल दिखाने के लिए, ये चीजें हम नहीं देते हैं। आर्टिफिशियल कलर और फ्रेग्रेंस हम नहीं डालते हैं, क्योंकि हम ऑर्गेनिक है। जब आप किचन का सामान बेचें तो ये यूएसपी रखें। उसके बाद लास्ट पॉइंट क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट, जब भी हम किसी जैविक चीज को, कभी हम किसी जैविक चीज को बनाते हैं तो उसके अंदर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि हर प्रोडक्ट को, जैसे बहुत सारे लोग जो है प्रोडक्ट्स बनाते हैं, बहुत सारी कंपनियां बना रही है आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स, जी कोई दिक्कत नहीं है, वो प्रोडक्ट्स बना रही है, तो वो लोग क्या करते हैं कि प्रोडक्ट्स को बनाने के बाद वो लोग सिर्फ इस बात का ध्यान रखते हैं कि जो बॉटल है वो खराब ना हो, बॉटल पचके ना, पैकिंग खराब ना हो, सिर्फ इस चीज का ध्यान रखते हैं। वो भी कब तक, जब तक कस्टमर के हाथ में नहीं जाती, बाद में वो कस्टमर की सरदर्दी है, राइट, वो कहां से बन के आ रहा है, किस अवस्था में रखा जा रहा है, ये सब चीजों का उनका कोई लेना नहीं। लेकिन जब कोई कंपनी जैविक अपने आप को कहती है और जैविक सामान बनाती है तो गवर्नमेंट का एक रूल है कि उस वो कहां उगा, कहां रखा गया, किस तरह पैकिंग की गई, ये सभी चीजों की जांच पड़ताल होती है। देयरफॉर हम जब ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो बेटर लिविंग कंडीशन भी देते हैं हमारी फसलों को, यानी कंडीशन जिस वातावरण में वो उगते हैं, पैक होते हैं या रहते हैं, जब तक वेयरहाउस में रहते हैं, जब तक डिस्पैच नहीं होते, तब तक हम हर चीज का ध्यान रखते हैं कि हम उसको कहां रख रहे हैं, किस अवस्था में रख रहे हैं और किस प्रकार रख रहे हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वैसा कोई नहीं बना रहा है, क्योंकि हम आयुर्वेदिक के साथ साथ जैविक बना रहे हैं। तो जैविक में इन चीजों का ध्यान रखा जाता है, जिसकी एक प्रूफ है एचएसीसीपी सर्टिफिकेट, राइट। तो ये है, अब मैंने आपको मोटा मोटी 5 पॉइंट बताए। वैसे अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मेरे पास इसका पूरा कंप्लीट प्रेजेंटेशन है, फिर कभी मौका मिला तो मैं उस पर बात करूंगी। लेकिन थर्ड पॉइंट क्या है, गेन मोर नॉलेज अबाउट योर प्रोडक्ट, और अपने प्रोडक्ट की ज्यादा नॉलेज होगी तो आप ज्यादा सेल कर पाएंगे। और जिसमें से मैंने 5 मोटा मोटी आपको बताया है कि ऑर्गेनिक को किस तरह से बेचा जाता है। अब तक हम आयुर्वेद बेच रहे थे, जैविक बेचो दोस्तों, जैविक ये आपकी स्ट्रेंथ है, कोई कॉम्पिटिशन नहीं है यार मार्केट में, आपकी स्ट्रेंथ है ये, अब जैविक बेचो ना। तो दिस इज द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। अब BMW, मर्सिडीज, ऑडी, पोर्शे जब बेचता होगा तो वो भी यूनिकनेस बताता है, तभी सेल होती है, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये थर्ड पॉइंट था, राइट। अब चलते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट के ऊपर, चौथा पॉइंट क्या है हमारे पास, 5000 BV अगर करना है तो फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है साथियों, चूज दैट प्रोडक्ट दैट कैन बी सोल्ड इजिली। अर्थात चौथा पॉइंट ये कहता है कि आप 5000 BV का अगर सामान खरीद रहे हैं तो उसमें से 2-3 हजार या 1-2 हजार BV का सामान जो खुद के लिए रखना है वो खुद के लिए रखो, ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन अब जो 3000 BV का सामान है वो आपने कौन सा लेना है, वो सामान लेना है जो मार्केट में इजीली बिकता हो, इजीली सेलेबल प्रोडक्ट हो, ये आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि जब आप रिटेलिंग करेंगे केनोपी के माध्यम से या जो भी वेज मैंने अभी बताए, आप जब सामान को बेचेंगे तो बेचने जब जाएंगे तो वो प्रोडक्ट बिकेगा जो आसानी से मार्केट में जरूरत है। अभी कोई व्यक्ति बोलेगा कि नहीं मैं तो केनोपी पे खड़े होके मैट्रेस बेचूंगा, ऐसा हो सकता है क्या, कमेंट करके बताइए, ऐसा हो सकता है कि आप बोलेंगे नहीं मैं तो केनोपी पे सिर्फ मैट्रेस बेचूंगा और कुछ नहीं बेचूंगा, ऐसा संभव है, इट्स नॉट पॉसिबल, आप कमेंट करके बताइए, है ना। तो आपको वो प्रोडक्ट लेना पड़ेगा जो आसानी से मार्केट में जाता है। बहुत सारे लोग रॉन्ग प्रोडक्ट चॉइस करते हैं जिस वजह से वो प्रोडक्ट को बेच ही नहीं पाते हैं, रॉन्ग प्रोडक्ट चॉइस कर लेते हैं जिससे वो प्रोडक्ट को बेच ही नहीं पा रहे मार्केट में, और फिर वो कहते हैं कोई सामान नहीं खरीदता। खरीदता है भाई, उसकी जरूरत का सामान तो खरीदो, उसका जरूरत का सामान खरीदोगे तब तो वो खरीदेगा ना आपसे, वो सामान तो रखो आप।
तो फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि वो प्रोडक्ट्स को आप रखें जो प्रोडक्ट्स आपके लिए मार्केट में इजीली सेल हो जाए. फॉर एग्जांपल तुलसी, हल्दी, डाइजेस्ट, पेन ऑयल, सैनिटरी पैड है, डेंटल है, साबुन है ना, कफ केयर है, ये सब प्रोडक्ट्स इजीली सेलेबल है, फटाफट से बिकते मार्केट में. हाँ जी, एकदम फटाफट. तो आप अपने जरूरत का सामान जो लेंगे उसके बाद जो बिजनेस वॉल्यूम बचेगा तो उसमें वो सामान लेना है जो इजीली मार्केट में सेल हो पाए, फटाफट से जो बिक जाए आसानी से, वो प्रोडक्ट जो है आपको आपके 5000 बीवी का हिस्सा बनाना है. 5000 बीवी आपके लिए संभव हो पाएगा, राइट. तो चूज व्हाट पीपल नीड, डोंट चूज व्हाट यू वांट टू सेल. जो आप बेचना चाहते हैं उसको मत निकालिए, जो लोग खरीदना चाहते हैं उन प्रोडक्ट को 5000 बीवी का हिस्सा बनाइए. चौथा पॉइंट है, राइट. पांचवा और आखिरी पॉइंट क्या है मेरा साथियों, फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज, सबसे इंपॉर्टेंट है ये, नजरअंदाज मत करिएगा इसको. नो मैम, अच्छा ओके, कमेंट्स आपके बहुत सारे आ रहे हैं, थैंक यू. देखिए, मेक सेंस, राइट. क्या मैट्रेस नहीं बेच सकते केनोपी पे, आपको वही प्रोडक्ट रखना पड़ेगा जो केनोपी पे बिकता है. थैंक यू फॉर योर कमेंट्स, थैंक यू भावना मैम, थैंक यू आशु जी, थैंक यू शंभू जी, थैंक यू सो मच. तो सभी, हम सभी लोग मैच्योर है, राइट. तो पांचवा पॉइंट क्या कहता है, 5000 बीवी या बिजनेस वॉल्यूम या सेल को बढ़ाने के लिए एमसी प्रोडक्ट का पांचवा पॉइंट ये कहता है, माय डियर फ्रेंड्स, कि आपने जिसको अब तक चाहे एक तुलसी बेची हो, चाहे एक टूथपेस्ट बेचा हो, आपके जो ओल्ड कस्टमर है, पुराने कस्टमर जो है आपके, उनको आपने फॉलोअप करना है और उनको और भी प्रोडक्ट्स के बारे में बताना है. अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, किसी ने एक तुलसी लिया था तो उसको छोड़ देते हैं, अच्छा ठीक है तुलसी लिया था वो नहीं यूज करेगा, या ठीक है वो ऐसे ही था, बस एक ही तुलसी ले गया था, ये सोचकर हम उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं. बट लेट मी टेल यू दिस, कि जो एक तुलसी लेगा वो एक एलोवेरा भी ले सकता है, वो एक हल्दी भी ले सकता है, वो एक टूथपेस्ट भी ले सकता है, वो बहुत कुछ ले सकता है. क्यों? क्योंकि उसको कन्वेंस करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी कन्वेंस है, प्लस उसके पास अब एक्सपीरियंस भी आ गया प्रोडक्ट यूज करके. तो पांचवा पॉइंट यहां पे कहता है, फॉलो अप विथ योर ओल्ड कस्टमर्स. चाहे एक तुलसी बेची हो यार, डजंट मैटर, फॉलो अप करिए उसको, आप उसको फॉलो अप करिए. फॉलो अप करते वक्त क्या करना है, उसको तुलसी जो आपने दी थी उसके अलावा आप उसको उसी के रिलेटेड, तुलसी से रिलेटेड ही रेट के प्रोडक्ट बेचें. जब आप रिलेटेड प्रोडक्ट बेचेंगे, जब वो एक प्रोडक्ट से 3-4 प्रोडक्ट का यूजर बनेगा, जब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तब वो आपसे 2000-3000 के भी सामान लेगा, राइट. बशर्ते कि उसके पास मैक्सिमम प्रोडक्ट जाएं, पहले उसके पास जाना चाहिए. अब आप क्या करते हो, ओल्ड कस्टमर को फॉलोअप नहीं करते हो. फॉलोअप योर ओल्ड कस्टमर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. पांचवा पॉइंट है कि जिसको एक तुलसी बेची थी, अब उसको हल्दी भी थोड़ा सा शेयर करो, समझाओ, एलोवेरा भी थोड़ा सा समझाओ, थोड़ा सा टूथपेस्ट समझा दो, थोड़ा सा डाइजेस्ट समझा दो, छोटा मोटा ही उसी रेंज का समझा दो. एक प्रोडक्ट से 4-5 प्रोडक्ट यूज करेगा, 5-6 से 10-12 यूज करेगा, फिर रेकमेंड भी करेगा, फिर वो बिजनेस पार्टनर में भी बनेगा. बट फॉलोअप इज वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स, डू नॉट लीव एनीबडी, किसी को भी ऐसे नहीं छोड़ना है, राइट. प्लस मैं यहां पे एक चीज कहना चाहूंगी कि आप लोग ये बात से सहमत होंगे कि जो व्यक्ति 1000 बीवी कर सकता है वो 2000 भी कर सकता है, वो 5000 भी कर सकता है, क्योंकि वो आपका पोटेंशियल कस्टमर होता है. उसको कन्वेंस करने की जरूरत नहीं है, उसको कन्वेंस करने की जरूरत नहीं है कि आप सर हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है आप ले लो, ये वो बोलने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी यूजर है. करना क्या है, सिर्फ आपको उससे सेल निकलवानी है, राइट. जैसे आपने देखा होगा कि आप किसी सेल्स के लिए दुकान में जाते हो, किसी दुकान में, तो कोई दुकान वाला आप एक सामान खरीदते हो तो बोलता है ये भी ट्राई कर लो, ये भी अच्छा है. क्यों? क्योंकि वो जानता है कि ये खरीद चुका है, ये सक्षम है, ये पोटेंशियल कस्टमर है. सेम चीज आपके साथ होती है. तो फॉलोअप इज द फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट. ऑल्सो फ्रेंड्स, यहां पर मैं एक चीज कहना चाहूंगी आपको, एक और छोटी सी तरकीब आप ट्राई कर सकते हैं जहां पर आपकी रिटेलिंग बहुत ज्यादा होगी और प्रोडक्ट की सेल बढ़ेगी, वो ये है जो मैं खुद भी करती हूं. आप डेली अपने स्टेटस पे, फेसबुक स्टेटस पे, इंस्टाग्राम स्टेटस पे, व्हाट्सएप स्टेटस पे, जहां मर्जी आप, बट आप डेली कोई एक प्रोडक्ट पिक करिए. लेट से हल्दी आज मैंने पिक कर लिया, फिर कल मैंने तुलसी उठा लिया, फिर मैंने परसों मिर्ची उठा ली, लाल मिर्च हो गई. ऐसी कोई भी प्रोडक्ट पिक करिए, उसके ऊपर उसके कुछ विशेष एक दो बात लिखिए यूएसपी, और उसको अपना नंबर डाल के स्टेटस पे अपलोड करिए. डेली इस प्रोसेस को विदाउट फेल करिए, बिना भूले करिए, डेली करिए. जो आप अपनी स्टेटस पे फोटो डालते रहते हैं ना, गोइंग हियर, ईटिंग दिस, डूइंग दिस, स्लीपिंग, घूम रहे, वो चीजों की जरूरत नहीं है यार. आप अपने बिजनेस पे फोकस करिए कि मेरी सेल कैसे बढ़ेगी, मेरा 5000 बीवी कैसे होगा.
तो आप डेली स्टेटस पे ये चीज डालिए। मैं आपको बता दूं कि आपके कॉन्टेक्ट्स में जो लोग हैं, आपके फेसबुक पे जो लोग हैं, आपके सोशल मीडिया पे जो लोग हैं, ये लोग जाने अनजाने में कहीं ना कहीं आपका स्टेटस देखते रहते हैं, कहीं ना कहीं देखते रहते हैं। यहां से आपको कस्टमर क्लिक हो सकते हैं। हो सकता है कि आप 5-6 दिन से लगातार कुछ ना कुछ डाल रहे हैं, मैं रोज देख रही हूं लेकिन मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन एक दिन आपने मान लेते कोई हेयर का प्रोडक्ट डाल दिया और मेरा इंटरेस्ट आ गया कि यार हेयर का भी प्रोडक्ट है इसके पास और मुझे तो हेयर का ही चाहिए था। अब मैं आपको 6-7 दिन से लगातार देख रही हूं, मेरे काम के नहीं थे, लेकिन 7वें दिन हेयर का, हो सकता है कि मैं 7वें दिन आपसे क्लिक हूं। इतना बड़ा फ्रेंड सर्कल है हमारा, राइट। डेली डू दिस, कर्म करते रहना है दोस्तों, फोकस ऑन सेल्स, बिजनेस ग्रोथ, कैसे हमारे बिजनेस में ग्रोथ आएगी, भयंकर फोकस उस पर होना चाहिए। आप अपनी जीवन शैली में क्या कर रहे हैं इसको साइड पर रखिए थोड़ा सा, स्टेटस पे डेली ये चीज मैं करती हूँ और इसके रिजल्ट मुझे देखने मिले। मैं कस्टमर्स बढ़ाने की बात करूं, बिजनेस पार्टनर की नहीं, जो कस्टमर बनेगा वो भविष्य में बिजनेस पार्टनर भी बनेगा, राइट। सो फ्रेंड्स, ये 5वां पॉइंट था कि फॉलोअप विद योर कस्टमर, जिसमें हम लोग स्टेटस अपलोड वाली चीजें रोज ट्राई करेंगे। आप कमेंट करके बताइए मुझे कि आप ये चीज, आपको कैसी लग रही है, आप करेंगे ये चीज को। यकीन मानिए मुझे बहुत सारे कस्टमर्स मिले हैं उससे, बहुत कस्टमर्स मिले हैं जो इनिशियली, अभी मैंने अभी पीछे एक ज्वाइनिंग करी है, उस ज्वाइनिंग में मैं, वो बंदे ने मुझसे खाली, मैंने तुलसी के बारे में डाला था ऐसे ही रफली थोड़ा सा, और अभी बहुत लोगों ने देखा भी होगा कि मैंने वॉश के ऊपर भी डाला है, जो ऑटो वॉश है हमारा उसके ऊपर भी डाला हुआ है, तो वहां पे भी मुझे बहुत सारे कस्टमर्स मिले हैं कि व्हाट इज इट अबाउट, क्या है ये, ऐसा लोगों ने पूछा है। तो ये चीजें आप करिए। मैंने पीछे एक तुलसी के ऊपर डाला हुआ था ऐसे ही छोटा सा, थोड़ा बहुत ज्ञान लिखे, वहां से मुझे तुलसी का ऑर्डर मिला, ही इज नाउ माई कस्टमर, प्रेफर्ड कस्टमर बनाया मैंने उसे। तो ये चीजें होती हैं, तो आप कमेंट करके बताइए कि आप ये चीज करने वाले हैं क्या। तो इन 5 चीजों का हमें ध्यान रखना है। मैं एक बार आपको रिवाइज करवा दूं कि हम कौन सी 5 चीजें है जिससे हम हमारी INC के प्रोडक्ट की सेल बढ़ा सकते हैं और बिजनेस वॉल्यूम को 5000 BV कर सकते हैं। नंबर 1 क्या था, सेल्फ प्रोडक्ट यूज करना है मैक्सिमम जितना आप कर सकते हैं, 1000 BV आंकड़े छोड़ देने हैं, राइट। नंबर 2, मेक मोर प्रेफर्ड कस्टमर्स, कैसे बनाएंगे वो मैं ऑलरेडी बता चुके हूं। नंबर 3 पॉइंट क्या था, गेन मोर नॉलेज अबाउट योर प्रोडक्ट, अपने प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा से ज्यादा और यूनिक जानकारी हासिल करें, आयुर्वेद से ज्यादा ऑर्गेनिक जैविक को बेचे, तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या था साथियों, आप सभी लोग आई एम श्योर लिख रहे होंगे कि वो प्रोडक्ट्स आप 5000 बीवी में खरीदे जो आसानी से मार्केट में बिक सकता है या लोगों की आवश्यकता है, फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, आसानी से जो बिक जाए, खड़े खड़े चलते फिरते यूं बिक जाए, वो प्रोडक्ट्स को बनाइए। 5वां पॉइंट क्या था, 5th इंपॉर्टेंट पॉइंट, फॉलोअप विद दी ओल्ड कस्टमर, जो आपके पुराने कस्टमर्स हैं उनसे फॉलोअप रखिए और उनसे फॉलोअप करने के बाद आप उनको 1-2 प्रोडक्ट और बेच सकते हैं और इसी प्रकार से प्रोसेस बढ़ सकती है। तो ये 5 पॉइंट्स हैं जो आपकी सेल्स को, प्रोडक्ट की बढ़ाएगी, ऑल्सो 5000 BV क्लब में आपको आसानी से ले जाएगी। आखिर में मैं एंड पे कुछ बातें और कहना चाहूंगी आपसे कि आपके सामने आपको हर लीडर आके कह रहा है कि 5000 करो बार बार लगातार, बट करना कैसे है ये किसी ने बताया है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगा पर्सनली कि ये बताना चाहिए कि हम 5000 BV कैसे कर सकते हैं। और प्लस रमन सर का भी ये आइडिया था कि हम ये चीज आपसे शेयर करें इस पेज के माध्यम से, तो इसलिए हमने करी कि हम 5000 BV कैसे कर सकते हैं। तो आई होप कि आपने अब आप थोड़ा समझ गए होंगे, थोड़ा सा क्लैरिटी मिली होगी और अब आप ट्राई करेंगे 5000 BV करने का। फ्रेंड्स, लास्ट में मैं एक पॉइंट कवर करना चाहूंगी कि 5000 BV करना क्यों है। बहुत सारे लोग मेरी टीम में भी, इनफैक्ट दूसरी टीम से भी बहुत सारे लोग मुझसे प्रश्न कर रहे थे कि जब 1000 BV पे पे आउट आ जाता है, 500 BV पे आ जाता है, 5000 BV करना क्यों है, Why we have to do 5000 BV, क्या क्यों जरूरत है इसकी। तो मैं आपको आज क्लियर कर दूं कि 5000 BV करने के फायदे क्या हैं। आप सिल्वर है, गोल्ड है, रूबी है, चेयरमैन है, एम्बेसडर है, चाहे क्राउन प्रेसिडेंट है, ये बेनिफिट हर किसी पे लागू होता है जो मैं अभी बताने वाली हूं। ये बेनिफिट मुझ पे भी लागू होता है, सभी पे। 5000 BV करना क्यों है इसका प्रश्न, ये प्रश्न अगर आपसे कोई करता है तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए, आपका उत्तर ये होना चाहिए जो अभी मैं देने वाली हूं। सबसे पहले बेनिफिट क्या होगा, 5000 BV जो व्यक्ति कर रहा है या करेगा उसका प्रोडक्ट के प्रति कॉन्फिडेंस और एक्सपीरियंस बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि अब तक वो 1000 या 500 BV का सामान यूज कर रहा था तो उसका कॉन्फिडेंस भी 500 BV वाला था, राइट। 500 BV वाला कॉन्फिडेंस दे रहा था वो मार्केट में, जिससे वो सेल नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब वो 2000 BV सेल्फ यूज कर रहा है, अब वो 1500 BV कर रहा है, अब वो 3500 कर रहा है, तो उसका कॉन्फिडेंस कैसा होगा, 3500 BV वाला होगा, 2000 BV वाला होगा। तो उसका कॉन्फिडेंस ही उसकी सेल को बढ़ा देगा। आप जिस जज्बे से बात को बोलते हैं ना, लोग उस पर विश्वास करते हैं। तो पहला बेनिफिट क्या होगा, आपकी बेचने की कला निखरने लगेगी जब आप सेल्फ बीवी यूज करेंगे ज्यादा।
तो पहला बेनिफिट क्या होगा, हमारा कॉन्फिडेंस रेज होगा। दूसरा बेनिफिट क्या होगा, रिटेल इनकम अच्छी तगड़ी जेब में आएगी आपके। जो लोग 5,000 बीवी का सामान बेच देते हैं, लेट से 3,000 का भी बेच देते हो उसमें से, तो एक रिटेल इनकम अच्छी खासी जेब में आ सकती है। आप अंदाजा लगाइए एक रिटेल इनकम एक व्यक्ति की महीने की 10,000 से 30-40,000 तक हो सकती है। एक पढ़े लिखे व्यक्ति की तनख्वाह है दोस्तों, इस बात पे ध्यान दीजिए। तो रिटेल इनकम एक मोटी आप जेब में ले जा सकते हैं। तीसरा बेनिफिट यह होगा कि आपके पास ज्यादा प्रेफर्ड कस्टमर होंगे, ज्यादा प्रोस्पेक्ट होंगे, और जब ज्यादा प्रोस्पेक्ट होंगे, ज्यादा प्रेफर्ड कस्टमर होंगे, तो ज्यादा चांस होगा बिजनेस पार्टनर्स में कन्वर्ट करने का। अब तक हम 1,000 बीवी का सामान यूज कर रहे थे, तो 1,000 बीवी का सामान यूज करके चुप बैठ रहे थे हम, ना फील्ड पे जाते थे, ना लोग को ढूंढते थे, ना ज्वाइनिंग कराते थे, ना प्रोस्पेक्टिंग करते थे। अब आपके पास 5,000 बीवी करने का टारगेट है, तो जाने अनजाने में आप फील्ड पे जाएंगे, रिटेलिंग करेंगे, प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, और जाने अनजाने में आपकी टीम साइज बढ़ेगी। डॉक्टर वाजपेयी सर हमेशा एक बात कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है नंबर्स का गेम है। कितनी टीम साइज है, कितना पे आउट है, कितना वॉल्यूम आता है, राइट? तो नंबर्स का गेम है। जाने अनजाने में आप क्या करेंगे, आपकी टीम साइज बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि लोग ज्यादा होंगे अब आपके पास, आप ज्यादा प्रेफर्ड कस्टमर बनाएंगे, तो चांसेस ज्यादा होंगे कि वो बिजनेस पार्टनर में बदल जाए। ज्यादा लोगों से मिलेंगे, बेचने का प्रयास करेंगे, तो प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बढ़ेगी। ये बेनिफिट भी होने वाला है। क्यों? क्योंकि हम अब तक 1,000 बीवी बेच रहे थे, अब सेल्फ यूज कर रहे थे, अब 5,000 बीवी बेचना है, इस चक्कर में प्रोस्पेक्ट भी बढ़ेंगे, टीम भी बढ़ेगी, राइट? गेटिंग माय पॉइंट? नए नए लोग लगातार आपके पास आएंगे। इसमें 5,000 बीवी में साथियों आपकी सक्सेस और ग्रोथ छुपी है, इसको ध्यान से देखिए। अब बहुत से लोग बोल रहे क्या बेचने वाला काम, बेचने वाला नहीं है, इसमें आपकी सक्सेस छुपी है। वो देखिए जो लोग आपको दिखा नहीं पा रहे हैं। मैं आपको ये सेशन के माध्यम से दिखाना चाहती हूं कि आप विजन को बड़ा करिए अपने। जब 3,000 का सामान फील्ड पे जाओगे ना बेचने, तो देखना लोगों की लाइन लग जाएंगी आपके पास। आपके पास नए प्रोस्पेक्ट, नए लोग, नए कस्टमर, नए प्रोस्पेक्ट, लाइन लगेगी। क्यों? क्योंकि आप नए लोगों को खोजना शुरू करेंगे, आप नई नई तरकीबें इस्तेमाल करेंगे, जिससे आपकी सफलता बड़ी होती चली जाएगी। तो 5,000 बीवी इज जस्ट नॉट अबाउट सेलिंग द प्रोडक्ट्स दोस्त, इट्स अबाउट द ग्रोथ जो 5,000 बीवी के अंदर छुपी है। जो लोग घर बैठे हैं ना, कोई एक्टिविटी नहीं करते, कहीं नहीं जा रहे, कुछ नहीं कर रहे, ये उन लोगों के लिए एक अच्छा जरिया हो सकता है अपनी टीम को बढ़ाने का, अपने वॉल्यूम को बढ़ाने का, और एक तगड़ा पे आउट लेने का। तो ये कुछ बेनिफिट्स है साथियों, और ये बेनिफिट्स को हमने ध्यान में रखना है और इसी प्रकार से हमें काम करना है। तो साथियों उम्मीद है कि प्रोडक्ट सेल कैसे बढ़ेगी और 5,000 बीवी कैसे होगा, ये प्रश्न का उत्तर आज आपको मिल गया होगा। वैसे मैंने सेशन में बहुत सारी चीजें लिखी थी, लेकिन माय टाइम इज अप और मेरा टाइम जो है अब हो चुका है, तो कुछ चीजें आगे के सेशंस के लिए रखनी पड़ेगी, क्योंकि मेरा टॉपिक बहुत बड़ा था। ये देखो मैंने कितनी सारी चीजें लिखी थी आपके लिए, लेकिन कोई बात नहीं। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों ने इस सेशन से कुछ ना कुछ जरूर बेहतर सीखा होगा, और जो मन में आपके प्रश्न था कि हम सेल्स को कैसे बढ़ाएं, उस पर कुछ विशेष पॉइंट्स आपको जरूर मिले होंगे। ऑल्सो फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहूंगी कि स्टॉप थिंकिंग, स्टार्ट डूइंग, करना शुरू करिए, धीरे धीरे करके 5,000 बीवी तक आप पहुंच ही जाएंगे। इस सेशन में जो भी बातें आपने नोट डाउन करी है, वो अपनी टीम तक जरूर पहुंचाइएगा, चाहे आप जूम के माध्यम से पहुंचाइए टीम में, या फिर आप कह सकते हैं टीम में नॉर्मल मीटिंग करके पहुंचाइए, 1-to-1 करिए, छोटी ग्रुप मीटिंग करके पहुंचाइए, जैसे मर्जी, नॉट अ प्रॉब्लम। माला मैम 10 मिनट्स बाकी है 10 मिनट्स बाकी है, वैसे मेरे 45 मिनट्स थे, बट ठीक है, आप कह रहे हैं तो थोड़ा सा और कवर कर लेते हैं, है ना? तो फ्रेंड्स चलिए, अब 10 मिनट्स की बात हुई है तो को भी कवर कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक्स आपने सीखा है, मेक श्योर करें कि आप अपनी टीमों में पहुंचाएं, मैक्सिमम लोगों को जो है इस लाइव सेशन को शेयर करना। हो सकता है कि जो वो आज तक नहीं समझ पा रहे थे, इस सेशन के माध्यम से शायद समझ जाए, है ना? तो आप उनको जरूर शेयर करिएगा मैक्सिमम इस लाइव सेशन को। एंड में मैं यही कहना चाहूंगी साथियों कि हम लोग कभी भी सिस्टम को फॉलो करेंगे तो हमेशा फायदा रहेगा, कभी भी हम सिस्टम के अगेंस्ट कोई भी काम करेंगे तो हम सभी के लिए घातक साबित हो सकता है, नुकसानी हो सकता है सभी के लिए, वो हूएवर इट इज, मैं खुद भी क्यों ना हो। सिस्टम क्या कहता है साथियों, सिस्टम को हमेशा फॉलो करना है। बहुत सारे लोग शॉर्टकट्स ढूंढते हैं लाइफ में, किसी को जोड़ दिया, उसको सुपरस्टार बना दिया, कोई व्यक्ति जुड़ जाता है, टीम है ना, कुछ ग्रोथ है, चेयरमैन बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है। ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल दी लीडर्स, पर मैं ये कहना चाहूंगी कि ये शॉर्टकट कभी भी लाइफ में आपको नुकसान ही पहुंचाएगा, चाहे अभी तुरंत ना पहुंचाए। हो सकता है अभी आपको लगता हो यार मैं चेयरमैन बन गया, यार मैं सुपरस्टार बन गया,
पर ये शॉर्ट टाइम के लिए साथियों, शॉर्ट टाइम के लिए। प्रोसेस बहुत जरूरी है हर चीज के लिए। प्रोसेस ये कहता है कि आप रिटेलिंग करें, फील्ड पे जाए, प्रोस्पेक्टिंग करें, 5000 बीवी का सेल करें, सेल्फ यूज करें, लोगों को जोड़े, बताएं। ये प्रोसेस है नेटवर्क मार्केटिंग का यार, ये बेसिक है, इससे नहीं बच सकते आप। देयर इज नो वे कि आप इस चीज से बच जाएं, राइट। अंत में मैं शॉर्टकट जो लोग मानते हैं और हार्डवर्क या मेहनत नहीं करना चाहते, 5000 बीवी सेल नहीं करना चाहते, रिटेल नहीं करना चाहते, उनके लिए कहानी इससे मैं अंत करना चाहूंगी सेशन का, कि एक व्यक्ति था जिसका सपना था कि वो डॉक्टर बने, डॉक्टर। लेकिन वो व्यक्ति डॉक्टर बनने के लिए जो मेहनत लगती है ना, वो करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उसको पता था कि डॉक्टर बनना इतना आसान नहीं है। मेडिकल लाइन इज अ टफ टास्क, राइट। इतना आसान नहीं डॉक्टर बनना। तो उसने क्या किया, शॉर्टकट वाले जो लोग हैं ना, उनके बारे में मैं बता रही हूं। शॉर्टकट उसने भी सोचा, उसने क्या सोचा कि यार मेडिकल लाइन में इतना पड़ेगा कौन, रात रात खराब करेगा कौन, मेरे जैसे चश्मे लगाएगा कौन, ऐसा वो सोच रहा था, राइट। सो उस व्यक्ति ने क्या किया, उस व्यक्ति ने शॉर्टकट ढूंढा, पैसे खिला के, जुगाड़ कर करके, सेटिंग कर करके, ये वो उल्टा सीधा कर करके वो डॉक्टर बन गया। ऐसा भी होता है, राइट। तो जुगाड़ कर करके वो डॉक्टर बन गया। ये क्या है, ये शॉर्टकट है, आसान तरीका, फटाफट से सुपरस्टार जुगाड़ से बन गई जी, फटाफट रूबी जुगाड़ से बन गए, चेयरमैन जुगाड़ से बन गए। ये उन लोगों के लिए सीख हो सकती है, ये आपकी लाइफ की बात है, ध्यान से सुनिएगा। तो जुगाड़ करके डॉक्टर बन गया, बन तो गया। अब उसको जुगाड़ में अच्छी डिग्री भी मिल गई। अब उसने क्या किया, उस डिग्री के चक्कर में, डिग्री के दम पर उसने कहीं पे एडमिशन भी, वो भी ले लिया, जॉब भी मिल गई इसको, क्योंकि उसके परसेंटेज अच्छे थे, उसको जॉब मिल गई। अब जॉब मिलने के बाद वो किसी हॉस्पिटल में काम कर रहा था, तो वहां पे तो मल्टीपल डॉक्टर्स थे, तो उसके ऊपर कभी ऐसे प्रेशर नहीं आया कि आपको सर्जरी करनी है, आपको ये करना, कभी जरूरत नहीं पड़ी। तो क्या हो रहा था, वो व्यक्ति काम चला रहा था, ऐसे ही चल रहा था। एक दिन क्या हुआ, वो व्यक्ति ड्यूटी पर था अपनी, वो क्योंकि वो डॉक्टर बन चुका था, तो अपनी क्लिनिक पे, अपने हॉस्पिटल में ड्यूटी पर था। और वो ड्यूटी पर था तब ऐसा समझ में आया, उसको ऐसा सुनने में आया कि एक छोटा सा कहीं पे कोई मेला लगा हुआ था, वहां पे हादसा हो गया है और कुछ लोग जो है बीमार, उनको चोटें लग गई है, वो इंजर्ड हो गए हैं, उनको उनके साथ हादसा हो गया है। अच्छा, तो वो जो है सभी लोगों को इसके हॉस्पिटल में लाया गया जहां पे ये नौकरी करता था व्यक्ति। अब उसके हॉस्पिटल में लाया गया और हॉस्पिटल में लाने के बाद उसको, अब इतने सारे पेशेंट्स एक साथ, सब इंजर्ड, सबको चोट लगी है, सब मार लगी है, किसी का खून बह रहा है, किसी का कुछ, किसी का कुछ, किसी के तो जान पे बनाई, इतना हादसा हो गया। तो अब डॉक्टर्स की कमी थी, किल्लत थी, बहुत कम डॉक्टर्स थे। तो सब डॉक्टर्स को बोला गया, जी आप सभी ने जो है फटाफट से पेशेंट ट्रीट करने हैं। अब इसका टेंशन बढ़ गया, क्यों क्यों, क्योंकि ये डॉक्टर कैसे बना है हम लोग तो जानते ही है, राइट। ये डॉक्टर कैसे बना हम जानते हैं, ये जुगाड़ वाले लोगों की बात हो रही है। अब क्या हुआ, वो व्यक्ति के पास भी एक पेशेंट आया और पेशेंट उसके पास आया और वो पेशेंट बुजुर्ग थे, एक एज वाला व्यक्ति था, तो उसके इतनी चोटें लगी थी कि ब्लड जो है चेहरे से पूरा बह रहा था, इतना उनकी हालत खस्ता थी। तो जब इनके पास वो केस आया तो ये व्यक्ति ने बोला, वो देखा और पूरा तरह से देखा भी नहीं और वो पीछे हो गया, और उसने क्या बोला अपने सीनियर को कि मैं नहीं कर सकता ऑपरेशन, मैं नहीं इसको, इस पेशेंट को हैंडल कर सकता हूं, ये मेरे बस की बात नहीं है। क्यों उसने ये शब्द यूज किया, क्योंकि उसने प्रोसेस को इग्नोर किया था। जो प्रोसेस था ना पढ़ाई करके डॉक्टर बनने का, वो उसको साइड पर रख के जुगाड़ से डॉक्टर बना था। अब उस व्यक्ति ने मना कर दिया और वहां से भाग गया जल्दी जल्दी। अब क्या हुआ, नीचे जाके वो बैठ गया, उसने पेशेंट नहीं देखे। अब जब पता लगा, जब थोड़ा सा माहौल ठंडा हुआ, थोड़ा गर्मा गर्मी जो हौच पौच थी वो सही हुई, तब जाके पता लगा कि उसमें से कुछ पेशेंट्स की डेथ हो गई है, कुछ पेशेंट्स को डॉक्टर्स अनफॉर्चुनेटली नहीं बचा पाए। और जानते हैं कि जिनका, जिस पेशेंट्स को वो नहीं बचा पाए, उन पेशेंट्स में जो बुजुर्ग इंसान था वो उस लड़के का डॉक्टर था जो जुगाड़ से डॉक्टर बना था, उस लड़के का पिताजी था, आई मीन टू से वो उनके फादर साहब थे, जिसको वो बचा नहीं पाया, उसने मना कर दिया कि मैं नहीं बचा सकता। वो बुजुर्ग इंसान उसके फादर साहब थे। और जब उसको ये बात पता लगी कि मैं डीआर तो ले लिया मैंने, डॉक्टर तो ले लिया मैं, लेकिन मैं प्रोसेस से भाग गया, तो आज इस प्रोसेस से भागने की वजह से किसी मेरे अपने की जान चली गई और मैं बचा नहीं पाया। इट इज वेरी सैड। वो व्यक्ति ने अपनी लाइफ में बहुत बड़ी सीख ली। क्यों, इस कहानी से क्या समझ में आता है साथियों, प्रोसेस से नहीं भागना, प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा।
ज्वाइनिंग करना पड़ेगा, फील्ड पे जाना पड़ेगा, पसीना निकालना पड़ेगा, केनोपी लगानी पड़ेगी, हार्डवर्क करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, रिजेक्शन झेलना पड़ेगा, ना भी सुनना पड़ेगा, 5000 बीवी का सामान नहीं बिक रहा है तो भी प्रयास करना पड़ेगा कि हम इसको बेचेंगे, हम कर दिखाएंगे, ये चीज करना पड़ेगा। प्रोसेस नहीं भागना कभी, प्रोसेस से दोस्त कभी नहीं भागना, ऑलवेज फाइंड अ वे कि मैं कैसे कर सकता हूं, राइट। सो एंड में बस यही एक स्टोरी से मैं एंड करना चाहूंगी और मैं आप सभी लोगों को एक सलाह देना चाहूंगी कि नेवर रन फ्रॉम द प्रोसेस, जो प्रोसेस है उससे कभी भी नहीं भागना, नो शॉर्टकट्स, सिस्टम से काम करिए, जो आपको सिस्टम कहता है बिल्कुल उसको फॉलो करिए, राइट। सो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग कॉमेंट्स कर रहे हैं, मैं आपके कॉमेंट जिस सेशन एंड होगा तो जरूर पढ़ूंगी। ऑल्सो देखिए पूरे 10 बज गए हैं तो अभी एक घंटा पूरा हो गया ना, माला मैम मैंने आपकी बात भी जो है पूरी तरह से रखी। सो यस, सो फ्रेंड्स उम्मीद है कि अब आप ये सेशन को बड़ी तादाद में शेयर करेंगे लोगों से और उनको बताएंगे कि 5000 बीवी कैसे करना है और क्या तरीका है, राइट। ऑल्सो इसी चैट जब ये सेशन एंड हो जाएगा तो कमेंट करके बताइएगा कि आप और कौन से ऐसे सेशंस चाहते हैं हमसे, रमन सर से या रमन सर के पेज पे ऐसे कौन से सेशंस चाहते हैं, ये कमेंट करके बताइए। प्रोडक्ट रिलेटेड हो या हेल्थ रिलेटेड, कुछ भी जो भी आप चाहते हैं, ऐसे कौन से टॉपिक्स आप चाहते हैं कि हम आपके लिए इस पेज पर लेके आए, तो कमेंट करके बताइएगा जब इस सेशन एंड हो जाए। आई एम श्योर कि रमन सर और जो एडमिन्स हैं इस पेज के वो उसको कंसिडर करेंगे और आगे के सेशंस में हम उन टॉपिक्स को कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। ऑल्सो बताइए कि सेशन से आपने क्या सीखा, कमेंट करके बताइए। तो फ्रेंड्स अगेन ओवरऑल यही कहना है मुझे सिंपली सभी को कि आप सभी लोग जो है एंड तक पूरे एक घंटे इस सेशन में बने रहे, आप सभी का स्नेहपूर्वक दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट्स, फॉर योर लव, फॉर योर ब्लेसिंग्स, एवरीथिंग। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो एंड तक बने हुए हैं। ऑल्सो फ्रेंड्स अंत में दो लाइनें कहना चाहूंगी, मेरी मंजिल मेरे करीब है। जी हाँ, मेरी मंजिल मेरे करीब है इसका मुझे एहसास है, मेरी मंजिल मेरे करीब है इसका मुझे एहसास है, गुमान नहीं है मुझे इरादों पर अपने, गुमान नहीं है मुझे इरादों पर अपने, ये मेरी सोच और हौसलों का विश्वास है। तो फ्रेंड्स हौसला नहीं छोड़ना है और ये चीज बोलनी है और करनी है टीम में लगातार, 5000 बार बार लगातार हर बार, राइट। सो थैंक यू वेरी मच ईच वन ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन टिल दी एंड, थैंक यू वेरी मच जो लोग कॉमेंट्स कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। वंस अगेन थैंक यू रमन सर फॉर दिस अपॉर्चुनिटी एंड हम मिलेंगे कल दोबारा इस पेज पे। बहुत ही डेफिनेटली अभी बहुत सारे ग्रेट लीडर्स को आपने सुना है इतने दिनों में, आने वाले टाइम में भी बहुत सारे ग्रेट लीडर्स आपको मिलते रहेंगे, तो इस पेज को आप फॉलो करना ना भूलें और इस पेज पे रोज 9 बजे लाइव जाबाज लीडरों से मिलते रहे और रोज कुछ ना कुछ नया सीखते रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आज के सेशन को एंड करूंगे एंड थैंक यू सो मच और फिर मिलेंगे। टिल देन फ्रेंड्स गॉड ब्लेस यू ऑल, बार बार लगातार 5000, राइट। थैंक यू और गुड आई एम सी एवरीवन, थैंक यू गुड आई एम सी ऑल ऑफ यू, गुड आई एम सी, थैंक यू। सो फ्रेंड्स अलविदा फॉर नाउ, फिर मिलेंगे जल्दी, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद।